नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और ऑक्शन के बारे में। तो आज फिर मैं आप लोगों को एक नए कस्टम ऑक्शन में लेकर आया हूँ आइटम, जो इस बार बहुत मज़ेदार आया हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ऊपर, जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, अगर आपको वो पहले देखना है तो जाके देख सकते हैं। तो आज का जो सबसे बड़े बड़े आइटम है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और साउंड का इशू आज भी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि कस्टम्स में आप ये माइक वगैरह लेके नहीं जा सकते, तो साउंड के लिए थोड़ा सा मेरे को माफ़ कर देना। तो आपको सीधा मैं ऑक्शन की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस बारी ऑक्शन में क्या क्या आइटम आया हुआ है। ये पीछे ये वाला पीवीसी पैनल का है, पीवीसी पैनल कंटेनर। ये जो फ्लोर वगैरह में, वो सीलिंग वगैरह में लगती है पीवीसी पैनल, ये वो चीज़ है, पूरा का पूरा कंटेनर भरा हुआ है। और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ग्लास वूल है। एक ग्लास वाला आपको पता है फाइबर शीट वगैरह बनाने के काम आता है, इसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी मेरे पीछे जितने कंटेनर हैं ये सारे के सारे ऑक्शन वाले हैं इस टाइम पे। दोस्तों ये हैं एसी वाले कंटेनर सारे, ये देखो, ये एसी का इनर यूनिट है, एक आउटर यूनिट है नीचे, ये वो एसी वाला कंटेनर है। इनका क्या होता है ना, एक्चुअल में इनका वो चला जाता है, टेंडर भर देते हैं लोग, वहाँ फिर ये ऑक्शन में लोग बोली लगाते हैं और फिर उनको मिल भी नहीं पाता, वो सोचते हैं कि मेरा अलॉट हो गया है, बट ये फिर लोग टेंडर भर के ले जाते हैं इसको। ये आपका एसी वाला कंटेनर जो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, ये देखिए इसका कंटेनर नंबर, यही कंटेनर नंबर आपको देखना है, लॉट नंबर के अगेंस्ट में कंटेनर नंबर लिखा होता है आपका। कंटेनर नंबर देखो, बोली लगाओ, ये आपका देखो एसी का यूनिट है सारा। दोस्तों ये वो केबल वाला कंटेनर है, ये वो केबल है जो मैंने दिखाया था, ये पीछे पूरा केबल का कंटेनर है, ये जो उसमें यूज़ होता है ना, अपने क्या कहते हैं, पीछे से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो आपके केबल वगैरह में यूज़ होता है, डीटीएच केबल वगैरह में, ये वो वाले केबल है। ये वाले केबल है, पूरा कंटेनर भरा पड़ा है इसका। इधर का ये सारा एरिया ऑक्शन का है इस टाइम पे। इसके अंदर अच्छा, ये ट्रांसफार्मर वाला है, ये वो ट्रांसफार्मर वाला कंटेनर है। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी इन लोगों ने इस बारी, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो, ये पूरा ट्रांसफार्मर का कंटेनर है, इससे नहीं होती ना, ठीक है। ये देखो अंदर भी कंटेनर नंबर लिखा होता है इसके, DFSU 7717424, ये कंटेनर नंबर है। बाहर भी कंटेनर नंबर लिखा होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा ही रहा था। इसके अलावा यहाँ से लेके ये जितने कंटेनर खोल रखे हैं इस टाइम पे, ये सारे ऑप्शन के हैं। ये वो कोई रेत, वो मिट्टी वाला जो कंटेनर था वो है, ये देखिए आपका मिट्टी, पता नहीं लोग मिट्टी भी लेके आ जाते हैं। ये भी कुछ है, ये वो असॉर्टेड टायर वाला, देखो सेकेंड हैंड टायर्स हैं सारे। इसके लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो चाहिए लाइसेंस, इस कंटेनर को बिडिंग करने के लिए। ये तो टायर उसी के काम आएगा जो रिसाइकल वगैरह करता है। ये कंटेनर नंबर, कंटेनर नंबर देखो, अपना हिसाब लगाओ, इस वाले में क्या है, ये वो पेपर रोल, ये भी तो स्टॉक लॉट जैसा लग रहा है मेरे को, स्टॉक लॉट पेपर रोल है, ये रहा स्टॉक लॉट पेपर रोल, स्टॉक लॉट नहीं फ्रेश है, फ्रेश पेपर रोल है। और इसके अलावा ये सबसे महंगा कंटेनर जो है वो ये है, एसी का कंटेनर, ये एसी वाला कंटेनर है सारा। ये देखो सामने से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इंटेक इसका ब्रांड नेम है, और ये आउटर यूनिट, ये नहीं, ये आउटर यूनिट, ये इनर यूनिट, सारा का सारा है। ये सारी चीज़ें आपको कस्टम ऑप्शन में मिल सकती हैं। ग्लास वूल, ये ग्लास वूल है,
ये ग्लास वूल भी काफ़ी काम की चीज़ है जिन जो मैन्युफैक्चरिंग में है, फाइबर बोर्ड वगैरह के, ये फाइबर बोर्ड वगैरह इसी से बनता है सारा, और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं ग्लास वूल से। ये देखो कंटेनर नंबर यहाँ लिखा है CLHU860970, तो यही सेम कंटेनर नंबर आपको लॉर्ड के अगेंस्ट में मिल जाएगा जो वहाँ लिस्ट निकलती है MSTC में, जो मैंने आपको बताई रखा है, कई बार दिखा रखा है मेरी वीडियोज़ में, अगर आपने देखा नहीं तो जाके देख सकते हैं। ये PVC पैनल का कंटेनर, ये आपका रैक्स, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब ये रैक्स किस काम आता है मैं बताता हूँ। ये रैक्स ना जो नेवी वगैरह में, आर्मी वगैरह में पोछा वोछा लगाने के काम ना, इसको काट पीट के वो पोछा वगैरह भी बनता है इसका, उस काम में भी आता है ये। इसको बेसिकली रिसाइकल किया जाता है इन चीज़ों को ना, काट पीट के दोबारा पोछे वगैरह बनते हैं, और भी कई सारी स्वीपिंग क्लॉथ्स वगैरह बनती हैं। देखिए ग्लास वूल, ये ग्लास वूल का एक और कंटेनर मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी। ये साहब हैं, ये बहुत पुराने ऑलरेडी ऑक्शन में आते हैं सर जी। मतलब एक्चुअल में होता है क्या, ये तो मेरे ख्याल टेंडर वगैरह भी निकलता है इसका, लोग टेंडर भी भर देते हैं। टेंडर भरते हैं यहाँ लोग, ऑक्शन लगा इन बोली लगाते रह जाते हैं, वो टेंडर वाला लेके चला जाता है, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कस्टम ऑक्शन में। देखा कस्टम ऑक्शन का ये किस्मत वाली बात है। तो यार मेरे को तो लगता है कि इन लोगों को कॉन्कोर वालों को बता देना चाहिए कि इसकी ऑलरेडी इतना टेंडर है, तो वहीं से शुरू करो अपना बोली। वही बात है ना, और कई बार कम बोली लगती है, और इन लोगों की इंट्रेंसिक वैल्यू जो इन लोगों ने अंदर डिसाइड कर रखी है वो भी ज़्यादा होती है, तब भी वो कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत ऐसा होता है, रिजर्व वैल्यू होती है, हाँ, क्योंकि इनको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये डैमरेज देना पड़ेगा, कंटेनर का डैमरेज वगैरह सब कुछ तो पे करना ही है शिपिंग लाइन को, तो वो सारा कैलकुलेट करके ये लोग एक वैल्यू सेट करके रखते हैं कि इस वैल्यू तक अगर पहुंचता है तो कंटेनर दे देंगे, अगर नहीं पहुंचता उस वैल्यू तक बोली कैंसिल हो जाता है। तो भाई साहब जो ये इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 11,800 रुपये का, लाइफ टाइम का होता है, लाइफ टाइम का होता है, कार्ड बनता है MSTC का कार्ड, उसके थ्रू 2-3-4 बंदे जो भी है जाके देख लो अपना, है ना। तो देख लो भाई साहब यही था आपका, देखो ये साहब भी आए हैं पुराने। साहब आपका नाम क्या है? मुस्तफा सेल्स इंडिया। अच्छा मुस्तफा सेल्स इंडिया, भाई साहब आपका, अच्छा मुस्तफा सेल्स इंडिया से ही भाई साहब दोनों लोग आए, पुराने बंदे हैं, देखो मिल गए। इस बार को सबसे बढ़िया कंटेनर है वो वाइन वाला ही कंटेनर रखा, उसका तो ही टेंडर ही जाएगा, बाकी तो कबाड़ी है सारा। ये रोल का कंटेनर है, तो आप लोगों को पता लगे क्या, वाइन वाले में भी ई टेंडर ही निकलने वाला है, तो आप लोगों को भी अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप ई टेंडर भर सकते हैं, जितना भी लगता है कि आप लोगों को जो इसकी वैल्यू है उस वैल्यू का ई टेंडर भर सकते हैं। ई टेंडर में ये होता है कि जिसने ई टेंडर भर दिया, सपोज़ किसी ने 26 लाख रुपये का ई टेंडर भर दिया कंटेनर का, और यहाँ बोली शुरू हुई, बोली लगते लगते 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख तक पहुँची बोली, 20 लाख पर रुक गई बोली, तो 20 लाख वाला जिसने बोली लगाया उसको लगेगा कि मेरे को कंटेनर मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने ई टेंडर जो है वो 26 लाख का भर रखा है तो 26 लाख वाले को अलॉट हो जाता है। इसके अलावा एक और कैच है, किसी ने अगर ई टेंडर नहीं भी भर रखा है ना, तो इन लोगों की एक इंट्रेंसिक वैल्यू सेट करते हैं ये लोग। इंट्रेंसिक वैल्यू किस तरह से सेट होती है कि भाई ये कंटेनर आया हुआ है, कंटेनर जब निकलेगा ना यहाँ से तो कस्टम क्लियरेंस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो ऑक्शन का जो कस्टम क्लियरेंस होता है वो हम लोग कराते हैं, मतलब मैनुअल क्लियरेंस होती है इसकी, इसमें भी ड्यूटी जमा करनी पड़ती है, इसमें भी HS कोड होता है, फाइल अप्रेजर के पास जाती है, फिर DC के पास जाती है, एक ड्यूटी सेट होती है इसकी, तो ड्यूटी निकालना होता है इन लोगों को, इस जो बिड का अमाउंट है उससे ड्यूटी का अमाउंट निकालना होता है। ये कंटेनर इतने दिनों से पड़ा है शिपिंग लाइन को भी पेमेंट करनी है, डिटेंशन की वो भी निकालना है, प्लस इनके ग्राउंड पे पड़ा हुआ है डैमरेज वो भी निकालना है, तो ये सारा करके ना एक मोटा अमाउंट ये लोग सेट करके रखते हैं अपने इंटरनल में। अगर जो बोली है उस लेवल तक पहुँच गई, सपोज़ इन लोगों ने 25 लाख रुपये की वैल्यू सेट कर रखी है कि इस कंटेनर की वैल्यू 25 लाख रुपये कोई बंदा बिड लगाएगा तभी हम उसको देंगे, बट जो हाईएस्ट बिड है वो 24 लाख रुपये तक पहुँचता है तो वो कैंसिल हो जाता है, वो नेक्स्ट ऑप्शन में फिर से आ जाता है। तो ये सारा का सारा टंटा है इसका कस्टम ऑप्शन का, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे पीछे वाइन वाला कंटेनर है दोस्तों, सबसे ये कार्लो रोसी का वाइन है, देखो पीछे लिखा भी होगा, सारे कार्टन्स में लिखा हुआ है, ये पीछे बोतल है, तो ये वो वाइन है कार्लो रोसी, मैं जो उस दिन बता रहा था आप लोगों को, ये कार्लो, इसके लिए ये कंटेनर अगर आपको बिड करना है तो इसके लिए आपको फिर चाहिए अल्कोहल का लाइसेंस, सेंट्रल और स्टेट का जो लाइसेंस बनता है, जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करनी है इसके लिए अगर आपको बिडिंग करनी है तो। पीछे तो देखो, ये देखो ये कार्लो रोसी का वाइन है, आपको बिड करना है तो इसके लिए आपको अल्कोहल लाइसेंस चाहिए। बिना अल्कोहल लाइसेंस के आपने बिड कर दिया और आपके नाम पे अलॉट हो गया तो फिर आपका, अगर आपने फिर नहीं लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा 6 महीने के लिए। तो
ये 3 कंटेनर है भाई साहब। ये आज का ऑक्शन का तो यही था मेन। इसके अलावा 9 कंटेनर और है 10 फीट वाले, ये एक्चुअली 40 फीट वाले कंटेनर है, 40 फीट वाले नहीं, ये 20 फीट वाले कंटेनर हैं 3, और 10 फीट के कंटेनर एक्चुअल में बहुत पुराने यूज़ होते थे, अब वो जनरली ट्रेड में यूज़ नहीं होते, अब लोग वहाँ उसको रिसाइकल करके कई सारे लोग अपने ऑफिसेज बना लेते हैं। आजकल मैंने देखा है कि स्विमिंग पूल वगैरह भी बनते हैं उन कंटेनर्स में। तो वो 9 कंटेनर और हैं, वो बहुत बहुत पीछे की तरफ है, उस तरफ तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा आप लोगों को कंटेनर दिखाने के लिए, क्योंकि वो कुछ वैसा बहुत बढ़िया काम की चीज़ नहीं है। तो आज का ऑप्शन इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑक्शन से रिलेटेड वीडियोस आता रहता हूँ, आप लोगों को ऑक्शन के बारे में बताता रहता हूँ। और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस जनरल बिजनेस पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ये देखो एक बार ही और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार ही और ना आप लोगों को मैं सबसे बढ़िया वाली जो चीज़ है इस बारी वो यही आई हुई है, कार्लो रोसी का क्या कहते हैं ये आपका वाइन ऐसा। अंकल आप लोगों ने मारा कैसे तो? अंकल मना कर रहे हैं। रेड भाई नहीं अब वो तो नहीं लेकर।